Yo, what's happening guys? My name is Loggy और आज तेरी भाई साहब बंदर ने आते ही मेरा इंट्रो यहाँ पे चेप दिया। भाई काम करते हैं, आगे बढ़ने से पहले आज हम पहले बंदर के ऊपर तीर मारेंगे। नहीं मारेंगे, नहीं मारेंगे भाई, पहले मैं यहाँ से स्ट्रिंग चक लेता हूँ। ये बंदर के पास इतने मोटे वेपन कहाँ से आते हैं भाई? ये तुम लोग वापस लड़ रहे हो, मैं अभी घर के अंदर घुसा हूँ, तुम लोगों की आवाज पता बाहर तक आ रही है। माचे को पता लग जाएगा शहर के अंदर। अरे आप टेंशन मत करो भाई, छुप के रहना है। लेकिन छुप के रहने वाली ये हैसियत और छुप के रहने वाली हरकतें दोनों में से एक बंदा नहीं कर रहा है भाई। ये देखो भाई, स्नाइपर से धमका रहा है। अब स्नाइपर वाली धमकी मत दे मेरे को, तेरे को बता रहा हूँ। और दूसरी बात, तेरी स्नाइपर के अंदर गोलियां होती भी नहीं है। स्नाइपर की बंदूक के अंदर पत्थर डाल के उसको चलाने की कोशिश कर रहा है। इसको लगा पेंट बॉल करना है। लेकिन चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। इसको मेरे को पता है कमरे के अंदर जाकर ठोकना पड़ेगा। और तेरे को पता लोग, यहाँ पर दो कमरे हैं, ठीक है? एक अच्छा। कमरा मेरा, एक कमरा तेरा। इसको किचन के अंदर सुलवाएंगे आज। दो कमरे हैं क्या यहाँ पे? मुझे एक्चुअली पता ही नहीं था। इधर आ, मैं तेरे को तेरा कमरा दिखाता हूँ। इधर आइए, ये देखिए, ये रहा आपका कमरा। ये तो बाथरूम है भाई। इधर कैसा कमरा है भाई? ये अटक गया यहाँ पे। अबे तू अटक, तू टाइपिंग को छोड़, पहले यहाँ पर अंदर अपना कमरा सर जी। एक्चुअली यहाँ पे अटक गए हैं। ओके, इधर अंदर तो आना, मैं आपके रूम में सो जाऊंगा। हाँ, मैं तेरे को वहाँ पर ठोक दूंगा बंदूक से। वो आपको स्नाइपर से धमकी देगा। अच्छा बात सुन, तूने घर का टूर करवाया है क्या लोगी? अरे भाई घर के टूर को तो छोड़ो, मैंने खुद से घर नहीं देखा भाई। बहुत बड़ा घर है यार। तो एक काम कर, मैं अपनी लाइटर रिमूव कर देता हूँ। इन द मीन टाइम तू फटाफट से घर का टूर करवा, मेरे को भी देखना है। तो एक काम करते, सीधा बारिश शुरू करते हैं। तो ये रहा हमारा छोटा सा घर, जाग पर फिलहाल हम यहाँ पर छुप के रह रहे हैं। वो गार्डन देख कितना मस्त है बाहर से, तो यार यहाँ पर वाकई बहुत ज्यादा ये डॉग किसका है? अरे वो उसके पास मत जाओ, वो मालिक मकान का डॉग ही होगा, वो रखवाली करने के लिए। वो ये ऐसा हो सकता है भाई, आई थिंक ये हमारी भी प्रोटेक्शन यहाँ पे करेगा। अबे काट लेगा तेरे को इधर आ। भाव भाव वो तेरी भाई साहब, उसके साथ बातें कर रहा है पागल बंदा। चलो हमें टाइम पर उसको भी खाना देना है भाई, नहीं तो हमें छोड़ेगा नहीं। लेकिन चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और अगर हम जैसे ही घर के अंदर घुसे, सीधा राइट साइड पे यहाँ पर आएगा हमारा पहला कमरा। और भाई यहाँ पर तो भाई छोटा सा टीवी यहाँ पर बना हुआ है। और ये कैसा टीवी है वे? दो ब्लॉक वाला भाई। और नाइस कारपेट, कितना मस्त यहाँ पर लग रहा है। 2x2 ब्लॉक वाला टीवी है भाई ये। हमारे घर के अंदर भी दो टीवी आ चुके हैं, एक दीवार के ऊपर लगा हुआ है और एक लॉकी के सर के ऊपर। डबल मॉनिटर टीवी है। लेकिन चलो एनीवेज आगे बढ़ते हैं। और अगला कमरा कौन सा आ रहा है? ओ स्टडी रूम, एक छोटा सा ऑफिस रूम यहाँ पे आ रहा है। और यहाँ पर छोटा सा लैपटॉप भी बना हुआ है। वैसे ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट है तो असली लैपटॉप तो नहीं है, लेकिन एक्चुअली लैपटॉप के लिए मस्त वाला डिजाइन है। मैं इस पे माइनक्राफ्ट खेलूंगा। हाँ तू खेल लियो, ठीक है। अभी बाहर आते हैं और अगर और मैं राइट में जाके देखूं तो सामने राइट वाले कमरे में, ओए तेरी भाई ये तो बाथरूम है, ये तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे देख लिया है। बाथरूम नहीं है, बंदर का कमरा है। ओए हां सॉरी, बंदर का कमरा यहाँ पे। इसको मैं फिर बंद कर लेता हूँ यहाँ पे। ये देख किचन, और किचन यार मुझे इस घर की बहुत ज्यादा पसंद है। ये देखो लेफ्ट साइड पे छोटी किचन है, मिडिल में आएगा हमारा डाइनिंग रूम, और अगर इस कमरे में जाके देखें तो ये रहा हमारा छोटा सा यूटिलिटी रूम। चेस्टों के अंदर कुछ पड़ा हुआ है भाई, चेस्ट सारे खाली हैं यहाँ पे। ओके, अभी सीढ़ियों के नीचे भी थोड़ी बहुत ज्यादा मस्त है। ये देख स्टोरेज यहाँ पर ही बनी हुई है, तो मतलब अगर तेरे पास कचरा पानी होगा ना तो मतलब कि यहाँ पर हम रख सकते हैं। मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे दरवाजा लगा देते हैं, ये कमरा बंदर को दे देते हैं रेंट पे। दो दो कमरे लेगा भाई ये तो। ओके अभी ऊपर आकर देखो, दुकान घर की लैंडिंग बहुत ज्यादा बड़ी है, और ये छोटा सा यहाँ पर चिल्ड्रन रूम भी बनाकर रखा है इन लोगों ने भाई। ये वाली जगह देख रही है कोने रूफ के नीचे। हाँ। यहाँ पर भाई अगर हमने छोटा सा सोफा लगा दिया, उसके सामने हल्का सा टेबल भी लगा दिया कॉफी वाला, तो एकदम से मस्त लगेगा। और ये रहा गाइस अपना मास्टर बेडरूम। तो हमारा से पूरे घर में सिर्फ एक ही बेडरूम है यहाँ पे। देख बाहर का कितना जबरदस्त है यार। वो देखो भाई सामने कार डीलरशिप भी बनी हुई है, सामने फन फेयर भी बना हुआ है। मैं वही बोल रहा हूँ कि हमारे घर के सामने कार डीलर है, मेरे को पता नहीं था। लेकिन हम यहाँ पर ऐसे खुले में इतना ज्यादा देर बाहर नहीं घूम सकते। और मेरी बात सुन, बाहर घूमने की बात आई, हमें ये सिटी अपनी नहीं है, तुम लोग भूल रहे हो, ठीक है? तुम लोग यहाँ पर जो है कुछ ज्यादा ही कंफर्टेबल हो रहे हो। और ये क्या लिखा है, यहाँ मैं और लोगे भाई सो जाएंगे, और चपाती भाई ये करे पहरेदारी। तो मेरी बात सुन ले, तो गाइस ये अपनी सिटी नहीं है, तुम लोग भूल चुके हो कि हमारे सर के ऊपर कर्जा है। वही तो भाई, $10 million का कर्जा है, और वो भी सिर्फ 6 महीनों के अंदर हम यहाँ पर कंप्लीट करना है उसको। और 10 million सब्सक्राइबर्स भी नहीं हो रहे तेरे भाई साहब। तो प्लीज गाइस यहाँ पर सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए, 1 subscribe = $1। ओके, तो हमें यहाँ पे कर्जा देने के लिए कुछ ना कुछ जो है जॉब्स वगैरह करनी पड़ेंगे, नहीं तो 6 महीने के बाद हम कभी वापस अपने शहर के अंदर नहीं जा पाएंगे, तेरे को पता है ना। लेकिन हम यहाँ पर जॉब कैसे ढूंढेंगे, क्योंकि आई थिंक आधी से ज्यादा सिटी तो उस माफिया के अंडर है। हाँ ये बात भी सही है, लेकिन टेंशन नॉट ब्रो, मैं सुबह जब वॉकिंग पर गया था ना, तो मैंने ना यहाँ पर एक जगह ढूंढी है, तो लिटरली तू विश्वास नहीं करेगा, हमारे घर के पास एक पोस्ट ऑफिस है। वे व्हाट पोस्ट ऑफिस है? लेकिन इस पोस्ट ऑफिस को फिलहाल मारते हैं गोली। पता क्या करते हैं? क्या तेरे को पता, यहाँ पर माफिया का घर था जब हमारा वो प्लेन वाला सीन कर रहे थे ना हम लोग, बड़ा सा मेंशन देखा था। तो एक काम करते हैं, क्यों ना अपनी लाइटर डाल के वहाँ पर जाकर देखे क्या
आखिरकार वहां पर माजरा क्या है? बंदर ने बोल कर रखा है कि हम यहाँ पर लाइटर यूज नहीं कर सकते, हमें यहाँ पर टैक्सी वगैरह पकड़नी होती है। अरे अपना शहर नहीं है, तेरे को क्या करना है? उड़ के जाएंगे तो माफिया हमें देख लेगा। अबे तू चल उड़ के निकल भाई साहब। यार ये चपाती भाई हमें मरवा कर ही रहेंगे। वैसे यार आपको रास्ता तो पता है ना माफिया के घर का? आई थिंक इसी तरफ ही जाना है। और ऑब्वियसली जिसका सबसे बड़ा घर देखा हमने वहीं पर जाकर लैंडिंग मार दी, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ा घर माफिया का ही है। ब्रो हम लिटरली 10 माइल दूर से भी देख सकते हैं भाई, यहाँ पर तो सुपर यॉटें भी खड़ी हैं, पायरेट शिप यहाँ पर बनी हुई है। और ये किसका घर है? खतरनाक है यार, ये मेंशंस तो लगता है ये मेरे पीछे मेयर का घर होगा। ओके तो एक काम करते हैं, सबसे पहले गाइस सारे घरों को मारते हैं गोली और हमें यहाँ पर ढूंढना है माफिया का घर। मुझे याद है उसका घर ऐसे आउटस्कर्ट्स में बना था। अरे ये रहा ओ भाई, आई थिंक यही है ना। ये देखो यहाँ पर छोटा सा एयरपोर्ट भी है, और वो देखो भाई माफिया के बंदे का वो प्लेन है जिसका हमने यहाँ पर पीछा भी किया था। भाई भैंस की आंखें, इस बंदे ने घर के अंदर ही एयरपोर्ट बना लिया भाई। हेलो पंगा इसका। सही है यार, सही है। और चलो चपाती भाई जल्दी से आ जाओ। ब्रो काफी बड़ी जगह है यार, लिटरली पूरे हेलीकॉप्टर्स वगैरह यहाँ पर खड़े हुए हैं। पूरा एरिया आई थिंक इसी का है। और ये देखो भाई इससे स्पेशल एरिया बना के रखा है जहाँ पर वो अपनी गाड़ियाँ स्टोर कर रहा है। ब्रो लग्जरी गाड़ियाँ, और मैंने अभी वो मिलिट्री वाला ट्रक भी देखा था सामने खड़ा हुआ है। नीचे वो देखो कहाँ पर सामने बंदा खड़ा हुआ है माफिया का। अरे टेंशन नॉट बंदर, ये वही है जिसका हमने पीछा भी किया था प्लेन के अंदर। क्या बकवास कर रहा है? अरे ये वही लग रहा है। वो देखो भाई सामने उसके सामने ट्रक, देख पूरा GTA 5 का इंसर्जेंट ट्रक खड़ा हुआ है यहाँ पर। तेरी यार मैं नीचे गिर गया। अबे ये क्या सुरंग खोद कर रखी है लोगों ने? अच्छा गटर है, कोई बात नहीं। तू ऊपर है क्या? कर दो एक काम, कर दो ऊपर आ, ब्लॉक रख ऊपर आ। आ गया आ गया आ गया। जो उसके हाथ में बंदूक भी है ब्रो, ये मुझे दिख रही है भाई, यहाँ से AK दिख रही है। थोड़ा बहुत ध्यान से, लगता है इसी ट्रक के अंदर से मोटे मोटे डायमंड्स की डिलीवरी आ रही है। और वो देखो सामने, अभी तो चुप कर बंदर वाले को चुप कर। वो देखो सामने घर के ऊपर क्या टाइट सिक्योरिटी यहाँ पर खड़ी है। यहाँ पर एक बंदा खड़ा है, बिल्कुल हमारे सामने भी एक बंदा है, और मैंने अभी देखा रूफ के ऊपर भी बंदा खड़ा हुआ है स्नाइपर के साथ। लोग इस बंदे से बात करने की कोशिश कर रही है। काम कर बंदे को मारते हैं गोली, घर के अंदर जाके छुप छुप के जाके अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। तो भाई लेकिन आते ही गेट के ऊपर बंदा खड़ा, वो इसी तरफ चलना, तू क्या कर रहा है? उसको तो वो तेरे को नहीं जानता, उसकी तरफ देख के चलना। ये वैसे सही बात है यार, सही बात है। चल 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 घुस अंदर, घुस अंदर। कम ऑन कम ऑन कम ऑन, कुछ प्रॉब्लम हुई ना तो लाइटर लेके भाग जाइए। भाई मैंने आपको बोला था यार ये बंदा हमें जानता है भाई, ये दुबई सिटी के अंदर आपको पता है ना भाई, हर जगह हमारे पोस्टर लगे हुए हैं। और ये बंदा दुबई सिटी में जाता है। यो क्या हैवी लेवल की सिक्योरिटी है, मतलब कि पास जाएंगे ना तो ऑब्वियसली बच के वापस नहीं आ पाएंगे। तो काम करते हैं हमें ना पैसा कमाने का कोई ना कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा यार। मैं सोच रहा हूँ पहले यहाँ पर घर पे चलते हैं, वहाँ पर एकदम से बैठकर आराम से सोचते हैं कि हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं। घर की तरह इतना बड़ा शहर है हमारा घर, ये देखो ये फायरवर्क किसने छोड़ दिए यहाँ पे? पागल बंदे ने सारे फायरवर्क्स यहीं पर ही गिरा के रखी हुई है, तो उठा ही नहीं पा रहा यार। यहाँ पर तो कुछ ज्यादा मसला हो गया यार। वही तो यार, ये सिक्योरिटी चेक कितनी यहाँ पर खतरनाक है यार। हम जैसे ही उसके गेट के पास गए, उसने आते ही बंदूकें यहाँ पर चला दी। ये क्या है? क्लोज फॉर एवर ओल्ड पोस्ट ऑफिस। भाई वैसे यार आई डोंट थिंक ये हमारे किसी काम का होगा भाई, ये पोस्ट ऑफिस तो। लेकिन ये देख फोर सेल पे लगा हुआ है। देखने की कोशिश करूं तो अंदर पूरी सिटी का मैप यहाँ पर लगा हुआ है। अरे ऑब्वियसली ये पोस्ट ऑफिस है, इनके पास पूरा मैप होता है और लिटरली हर एक घर की एक्सेस होती है, क्योंकि इनको हर एक घर के अंदर चिट्ठियां वगैरह पार्सल्स वगैरह भेजने होते हैं। तो इनको एक्चुअली गली गली पता है शहर की, कौन सी गली कहाँ पर है, कौन सा घर कहाँ पर है, तो इनको एक्चुअली पूरी इन्फॉर्मेशन है शहर की। अरे हैंग ऑन अ मिनट भाई, क्या आइडिया आपने यहाँ पर दिया है, मेरे पास बड़ा मस्त आइडिया आया है। क्या? मैं सोच रहा हूँ कि अगर हमारे पास पैसे होते तो ये पोस्ट ऑफिस खरीद के हम अंदर माफिया के घर के अंदर भी घुस सकते हैं एज अ पार्सल मैन। ओरे भाई क्या खतरनाक तूने आइडिया यहाँ पर निकाल कर रखा हुआ है। और ये पोस्ट ऑफिस जो है गाइस, आपने नोटिस किया कि पूरा लाइक पुराने जमाने का पोस्ट ऑफिस है और ये हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बट लेकिन ये सेल पे लगा हुआ है, लेकिन हमारा लग बस था यार। लेकिन भाई इसको लेने के लिए हम यहाँ पर $2,000 चाहिए, हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट तो है ना, जैसे मैंने बता कर रखा था कि पोस्ट ऑफिस वालों के पास पूरा डेटाबेस होता है और वो देख अंदर पूरा मैप बना हुआ है। चक्कर आ जाओ भाई, एक काम करते हैं सीधा अंदर चल के ही देख लेते हैं। अगर अंदर पागल अभी ये प्रॉपर्टी अपनी नहीं है। अरे भाई अगर कोई आ गया तो बोल देंगे कि आप सिर्फ ये प्रॉपर्टी चेकआउट कर रहे हैं। अबे अंदर से कौन चेकआउट करता है, पहले बाहर से चेकआउट कर, दरवाजा बंद कर लो पागलों। तेरी भाई, चलो भाई दरवाजा बंद कर दिया। अबे बाहर निकल, निकल बाहर, चल। ओके आ गया आ गया आ गया। ओके तो यह प्रॉपर्टी एकदम से मस्त है यार, पूरा अंदर का नक्शा वगैरह बना हुआ है। देखें तो यार भाई यहाँ पर हर चीज लगी हुई है। लेकिन प्रॉब्लम पता है क्या है इस प्रॉपर्टी में? क्या? महंगी बहुत है। वही तो भाई, $2,000 की हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है।
अगर मैं इन्वेंटोरी खोल के देखूं तो मेरे पास $500 पड़े हैं, वो भी दुबई सिटी वाले, और मेरे पास पूरे $5 हैं जो कि मैं लेके आया था। अब मेरे को पता नहीं क्या करना है। बंदर वाले मुंह, तूने बोल कर रखा था कि तुझको इस सिटी का हर एक कोना कोना पता हुआ है, तो बता क्या कर सकते हैं पैसे कमाने के लिए, कोई स्कीम निकाल भाई। इसको पता होगा भाई, इसको पता होगा, मे बी हमारी कोई जॉब यहाँ पे लगा सकते हैं। हाँ यहाँ पर शॉप है, यहाँ पर भाई किसकी शॉप है भाई, यहाँ पर मेरी है। हाँ क्या लिख के आ रहा है भाई ये हाँ ये क्या लिखा है, मैं तो पढ़ भी नहीं पा रहा भाई, मेरा मुंह बौखला गया इसकी भाषा देख के। ये कह रहा है पोस्ट ऑफिस मेरा ही है। ए चल भी तेरा कहां से आएगा, फोर सेल पे लगा हुआ है ये पागल बंदे। और ये देख लोगे यहाँ पर कार शॉप भी बनी हुई है बहुत बड़ी। कहां पर है वो? ये भाई मुझे लगता है बंदर इसी शॉप की बात कर रहा है, जब उसने बोला था कि वो गाड़ियां लेकर आता है यहाँ से। चबा दे भाई सुनो, अभी देखते हैं भाई, फिर से सुनते हैं भाई, एक बार फिर से सुन लेते हैं क्या बोलना क्या चाहता है भाई। तू शायद गलती से अच्छा आइडिया दे दे, सुन गलती से अच्छा आइडिया दे दे यार, वो इम्पॉसिबल लग रहा है मेरे को फिलहाल। ओके इसने क्या लिखा है, आपको नहीं आपको ना यहाँ पे जॉब करनी पड़ेगी पैसे कमाने। नो शिट। हाँ नहीं हमको तो पता नहीं था भाई, एकदम से इसने गलत, गाइस इसने हमको गलती से सीक्रेट बता दिया लाइफ का। हमको तो जॉब करनी पड़ेगी यहाँ पर पैसे कमाने के लिए। ये बता कि हम जॉब कहाँ पर कर सकते हैं यार, इसको ऑब्वियसली सिटी के बारे में हर एक जगह पता है, हमसे ज्यादा तो इसको ही पता है। मैंने सुबह अखबार, तू तेरे को पढ़ना भी आता है, अखबार में पढ़ा था कि यहाँ पर फार्म पे जॉब है। यहाँ पर फार्म हाउस भी है यहाँ पर। अरे भाई ये बड़ी बड़ी स्नाइपर अंदर कर दे, हर जगह कैमरे लगी हुई हैं। अबे अंदर कर पकड़े जाएंगे भाई ये हमें सही पकड़वाएगा यार, मैं डेफिनेटली बोल रहा हूँ। लेकिन भाई बैक टू द पॉइंट, यहाँ पे करते हैं भाई, इसने बोल के रखा है कि यहाँ पर फार्म है और वहाँ पर एक्चुअली हायरिंग भी चल रही है। ओके एक काम कर बंदर वाले मुंह, तू घर जा, हम चलते हैं फार्म पे, आज जॉब करके लेके आते हैं। तू घर में मत जा, तू एक काम कर, तू अपने साथ ही आ, इसको पता फार्म कहाँ पर है, और कुछ गड़बड़ होगी तो उसके साथ ही भाग जाएंगे हम लोग। ओके अभी हमको गाइस आई थिंक वॉकिंग करके या ट्रेन पकड़ के या टैक्सी पकड़ के अपने फार्म तक पहुंचना पड़ेगा, जो कि मेरे को ऑब्वियसली पता नहीं किस तरफ है, पता है। और भाई मुंडी नीचे कर लो, लेफ्ट साइड में पुलिस स्टेशन है यहाँ पे, तेरे को किसने बोला था कि इस वाली गली से आना है। अरे भाई लेकिन हम यहाँ पर तो वांटेड नहीं है ना, सिर्फ दुबई सिटी में वांटेड है। उल्टा जा रहे हो अबे, अबे उल्टा जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, मेरे को नहीं पता अभी यहाँ से निकलना है। मुड़ जाओ भाई, ये रहा बंदर, पहले काम करते हैं यार, इसी की फॉलो क्यों नहीं करते, इसी की तो पता है भाई की फार्म कहाँ पे है। चल अभी पैदल जाना है क्या यहाँ पर भाई? आई थिंक हमें यहाँ पर पैदल ही जाना पड़ेगा। और ये देखो पुलिस की गाड़ी आ रही है, अबे रोड से हट जाओ। कहाँ पर है? अरे आपके सामने ही तो है भाई, कहाँ देख रहे हो आप? होली क्रैप, मेरी वो लोड ही नहीं हुई भाई, उतनी खतरनाक सिटी इन लोगों ने बना कर रखी है ना, कि मोस्टली चीजें मेरी लोड ही नहीं हो रही भाई। चलो भाई बंदर ने लाइटर यहाँ पे निकाल दिया, आज इसी की फॉलो करते हैं यहाँ पे। खुद लाइटर लेके उड़ रहा है, मैं जाऊँ तो उसको मौत पड़ जाती है यहाँ पर। तो ये इस तरफ जा रहा है, तो ऑब्वियसली फार्म है, तो आई थिंक यहाँ पर कहीं ना कहीं कोने पे बना होगा अपना फार्म। तो आई थिंक नॉर्मली फार्म जो है बिल्कुल शहर के बाहर बने होते हैं भाई, तो भाई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर बना ही होगा। पूरा रोड फॉलो कर रहे हो क्या? अरे ये रहा भाई, ओ भाई कितना बड़ा हमारे नीचे ही फार्म बना हुआ है। अरे है तो सही, ये देखो भाई यहाँ पर ट्रक चल रहा है, वो किसी और का फार्म है, देख नहीं रहा कि वो ऑलरेडी खेती बाड़ी कर रहा है वहाँ पर। वही तो आई थिंक हम यहाँ पर इस फार्म के अंदर काम करना है। ये वाला कुछ ज्यादा ही इंडस्ट्रियल टाइप फार्म लग रहा है, पोटैटो फार्म यहाँ पर बना हुआ है। आई थिंक तेरे घूम के जाना पड़ेगा यहाँ पर। तो आ जाओ भाई, अभी यहाँ पर लाइटर यूज नहीं करते, लाइटर को मैं यहाँ पर उतार देता हूँ। और ये रहा हमारा फार्म, तो यहाँ पर लिखा है पोटैटो फैक्ट्री। यहाँ पर डेफिनेटली हमको जॉब वगैरह मिल जाएगी। आ जाओ भाई अंदर चल के पूछते हैं कि क्या ये सर जी यहाँ पर एक्चुअली हायर कर रहे हैं या बंदर हमें ट्रोल कर रहा है। अगर ट्रोल किया ना तो कसम से ये बंदा जाएगा आज। ये रहा भाई, कितनी भाई बहुत ज्यादा रश है, कितने बंदे काम कर रहे हैं ये। अगर मैं अंदर देखूं, अबे भाई ऐसे अंदर नहीं चलते हैं। और ये क्या लिखा है यहाँ पे, पोटैटो फैक्ट्री एम्प्लॉइज वांटेड। क्या बात है, लेट्स गो भाई, मजे आएंगे आज तो गाइस फार्म के ऊपर काम करके। लेकिन फार्म वाले मेरे को पता लगे क्या, इतना पैसा देते ही नहीं है ब्रो, प्रॉब्लम यहाँ पर है। अरे भाई छोटी सी शुरुआत है भाई, बाद में फिर हम यहाँ पर इससे भी मोटी जॉब ढूंढेंगे। तुमको फार्मिंग करनी आती है पहले ये बता। अरे आप टेंशन मत करो भाई, यहाँ पर सीख जाएंगे। ओके गाइस मैं फंडा समझ चुका हूँ, बोलो बोलो। ये है पोटैटो का फार्म, तो मे बी तेरे को पोटैटो हार्वेस्ट करके यहाँ पे कुछ ना कुछ उसका करना पड़ेगा, और तभी जाके उसके पैसे तेरे को मिलेंगे। ये देखो भाई अगर हम आसपास देखो तो यहाँ पर सीडर बना हुआ है, यहाँ पर चेस भी बने हुए हैं, और सामने ये देखो भाई लॉन मोर भी बना हुआ है। तो मे बी हमें यहाँ से पोटैटो काट के यहाँ पर और ज्यादा सीड जुगानी पड़ेंगी। अरे काम कर, बोलो बोलो। लॉन मोवर से ना तू इसको जोड़ ले सीडर को, क्या कहते हैं, और ना सीडर को स्टोरेज स्टोरेज को, स्टोरेज को, और उससे पोटैटो जब टूटेंगे ना उतरे लॉन मोवर के अंदर ऑटोमेटिकली। सही है। आ जाओ भाई फिर शुरू करते हैं। ओके तो एक काम करते हैं भाई, मैं लॉन मोवर वाली जॉब यहाँ पे ले लेता हूँ। पेट्रोल तो डालना इसके अंदर तो है ही नहीं भाई। चलो कोई बात नहीं, यहाँ पर पेट्रोल तो हमें फ्री का दे रहे हैं, तो एक काम करते हैं सबसे पहले मैं इसके अंदर पेट्रोल यहाँ पे डाल लेता हूँ। डल गया क्या? अरे नाइस,
अभी तेरे को आगे जाके इसके अंदर ना स्टोरेज भी डालनी होगी। तो एकदम आराम आराम से हमें जाना है, और ये रही अपनी स्टोरेज, लगा दे लगा दे। यहाँ से मैं स्टोरेज उठाकर सीधा, तेरी भाई मैं उठा ही नहीं पा रहा, देयर वी गो, और इसको सीधा चिपका देते इसके ऊपर। बैठना ऊपर बैठना। ओके मैं बैठ गया, मैं बैठ गया। सुपरवाइजर आ रहा है अपना। भाई 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 थोड़ा ध्यान से, अरे टूट रहे, लेट्स गो भाई। चपाती बाजार चेस्ट खोल के देखना, एक्चुअली डल रहे हैं ना उसके अंदर। नीचे उतरना पड़ेगा तेरे को उसके लिए। भाई मैं चेक करता हूँ। अरे नाइस भाई, आ रहे हैं। अरे ये क्या लिखा है, आए मेरे को भी करना है। ए लड्डू नहीं बांट रहे यहाँ पर, तेरे को भी करना है काम कर। चल हम जॉब कर रहे हैं फार्म के ऊपर। ओके चलो चपाती भाई शुरू यहाँ पे करते हैं। और भाई हम तो लिटरली यहाँ पर फार्मिंग सिमुलेटर यहाँ पे खेल रहे हैं, लेट्स गो। अबे तेरे को उपजाऊ जमीन के ऊपर नहीं जाना होता पागल बंदर। भाई साहब निकल वहां से, कर रहा है भाई। और वो देखो भाई सारा पीछे डर्ट में कन्वर्ट हो रहा है यार। अरे कोई बात नहीं कोई बात नहीं, हमको यहाँ पर पोटैटो की जॉब मिली हुई है, तो पहले सबसे पहले पोटैटो ही काटते हैं यहाँ पर। इसके ऊपर हमें बाद में फिर पानी भी मारना पड़ेगा और हो भी मारना पड़ेगा। चपाती भाई फिलहाल आप जाकर हो निकालो यहाँ पे। कहाँ पर है? रुक मैं हो लेके आता हूँ। चेस्टों में पड़ा होगा यहाँ पे। फार्म है अंदर, इन लोगों ने पूरा वो फार्म वाली वो लाइक फील दे के रखी हुई है, तो आई थिंक यहाँ पर। ओ भाई डायमंड का हो मेरे को मिला। तेरी भाई नाइस। वैसे फार्म वाले कुछ ज्यादा ही अमीर है यार, यहाँ पर तो डायमंड का हो लेके घूम रहे हैं यार ये वाले बंदे तो। और वैसे यार अगर एक्चुअली मौसम की तरफ देखे तो आई डोंट थिंक ये पोटैटो के लिए सही मौसम है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके बाद हम यहाँ पर कुछ और उगा दें, क्या बोलते हो? चपाते भाई ये देखो गाना, गन्ना काटने की मशीन। तेरी भाई वो गन्ना का, उससे डायमंड की इंजन पकड़ ली भाई साहब। भैया अंदर कर दे भाई, डायमंड की इंजन अंदर कर दे। भाई हमारा सुपरवाइजर देख रहा है भाई, रख ले मर जाएंगे भाई। बॉस देख रहा है भाई, वो गन्ना काटने की मशीन है, रख ले कहीं तेरे को ना काट ले वो। कितना भाई फिर से काम पे लग जाओ। और भाई फिलहाल तो यार मैं यहाँ पर बहुत ज्यादा बढ़िया कर रहा हूँ। और अरे यार आई थिंक हमारा चेस्ट यहाँ पे फुल हो चुका है। कहाँ पर? उधर का देखना, उधर का देख। आलू यहाँ पे गिर चुके हैं नीचे। और खराब, अगर सुपरवाइजर ने देख लिया कि तूने आलू वेस्ट कर दिए ना। अरे वेस्ट नहीं किया भाई, यहाँ पर सारा फुल हो चुका है, सड़े हुए पोटैटो। तेरी भाई मत फेंक मत फेंक मत फेंक। आई थिंक ये हमें बाद में मे भी यहाँ पर काम आएंगे। चपाती भाई काम करो, ये सारा मैं, ये देखो भाई मैं आपको सारी स्टोरेज यहाँ पे देता हूँ, ये सब आप खाली करके मुझे फिर से दे दो। और अरे ये देखो भाई यहाँ पर चेस्ट भी बना हुआ है, पुट द पोटैटोस इन हियर। तो काम करते हैं, सारे पोटैटोस में इस चेस्ट के अंदर सारे लोड कर लेता हूँ। चपाती भाई पुरानी स्टोरेज को यहाँ पर खाली करो, मैं जल्दी से ये नई वाली यहाँ पर लगाता हूँ। बंदर आ जा, काम पे लग जा, लेट्स गो। बहुत ज्यादा तेजी के साथ हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अरे बंदर काम पे लग जा, हमें पूरे आलू खाली करने हैं। ओके फाइनली एटलीस्ट उसको भी यहाँ पर जॉब मिल चुकी है, तो वो ऐसे नौटंकी नहीं करेगा यहाँ पे। आलू खराब पागल बंदा, वो भी सड़े हुए भाई साहब। यार वो हमारी तनख्वाह से काट लेगा यार। कोई बात नहीं, एक बंदा कितने आलू खा लेगा। तो लीजिए लॉगे, ये वाली स्टोरेज भी जो है फ्री हो चुकी है। अगर वो भर गई ना तो उसके बाद तो ये वाली स्टोरेज जो है यूज कर सकता है। ठीक है ठीक है, कितना रह गया यार? अरे भाई आधे से ज्यादा तो यहाँ पर ऑलमोस्ट हो ही चुका है। उन्हें वहाँ पर पूरे आलू गिरा के रखे हैं भाई, इनको पता लग गया ना तो लेने के देने पड़ते हैं। कोई बात नहीं भाई, मैंने वहाँ से उठा लिया भाई, टेंशन मत करो। कहाँ पर है? और ये देखो भाई, ये जो कोने के ऊपर दो तीन रह गया ना, वो एक काम करो आप हाथ से ही तोड़ लो। कहाँ पर? अरे बंदर तो एक काम कर, तू हो लेके आना। ये देख जहाँ पर जमीन खराब हो चुकी है, तेरे को इसको वापस जो है फर्टिलाइज करना यहाँ पर। और बाकी है तो एक काम करते लॉग, इसके बाद तेरे को वापस सीड्स भी लगाने पड़ेंगे, क्योंकि एज अ फार्म तेरे को कटिंग करने के बाद सीड्स वगैरह जो है पूरे लगाने पड़ते हैं। तो यहाँ पर सीडर तो है, लेकिन मैंने नोटिस किया यहाँ पर ट्रैक्टर नहीं है। अरे ट्रैक्टर, ओ वैसे मैंने अभी नोटिस किया कि यार इन लोगों ने ना फ्रेम के ऊपर, दीवार के ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पर लगा कर रखी हुई हैं। तो देखो भाई इंजन बने हुए हैं सारी, भाई ट्रैक्टर वाली चीजें यहाँ पर बनी हुई हैं। तो मैं भी तेरे को यहाँ पर ट्रैक्टर जो है क्राफ्ट करना पड़ेगा। तो काम कर, पहले आलू खाली करके वहाँ पर आ जा। सही है सही है। हाय खतरनाक से सारे आलू निकाल ब्रो, मैं जल्दी से चेस्ट में रख लेता हूँ। इमेजिन $1 पर आलू, इतना तो मिलना चाहिए यार। सही है यार। भाई गन्ने काटने की मशीन है वो। हाँ गन्ने काटने की मशीन से हम ट्रैक्टर बनाएंगे। चलो एनीवेज एक काम करते हैं, देखो भाई वर्कशॉप यहाँ पर बनी हुई है। और ये देखो ट्रैक्टर बनाने के लिए हमें यहाँ पर चाहिए 128 आयरन, 4 ब्लैक कोल, 8 रेडस्टोन और 16 पैनल्स, और साथ में हमें व्हील्स और इंजन भी चाहिए होगी। अब ये कहाँ से लेके हैं? तो ये देखो भाई व्हील्स और इंजन तो यहाँ पर ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमें सिर्फ वो बाकी की चीजें यहाँ पर चाहिए। यहाँ पे बैरल्स पड़े हुए हैं। देखो भाई साइन के ऊपर लिखा था बिल्डर ट्रैक्टर। अगर मैं बैरल्स के ऊपर खोल के देखूं, और ये देखो भाई सारा माल इसी के अंदर पड़ा हुआ है ट्रैक्टर बनाने के लिए। लिटरली क्या एक काम करते हैं, सारा यहाँ से उठाकर यहाँ पर ट्रैक्टर बना देते हैं। तो देयर वी गो, आधा सामान तो मेरे पास आ चुका है। यहाँ से अभी मैं आइटम फ्रेम से थोड़े बहुत व्हील्स निकाल लेता हूँ, और इसके ऊपर हम लगाएंगे डायमंड वाली इंजन। लग बन गया तेरा ट्रैक्टर। ओके तो अगर मैं यहाँ पर इंजन मार के देखूं तो ये ट्रैक्टर को यार पे, इसके बाद हमारे ये स्नो वाले व्हील्स किसने लगा दिए? सही है यार, ये देखो स्नो वाले व्हील्स खतरनाक। अगर मैं इसको ऐसे करूं क्राफ्ट, और ये देखो भाई अंदर से एक डब्बा निकला। काम करते हैं, ये इंजन मैं फिर से यहाँ पर लगा देता हूँ, क्योंकि ये तो अपनी नहीं है,
और तेरी भाई। अरे इसे खोलने के लिए पेचकश चाहिए होता तेरे को, रुक जा मेरे पास है वो, रुक जा लेके आ। चाहिए क्या? रुक मेरे को, मेरे घर के पास तेरे को याद है ना मैकेनिक की शॉप है, ये वहां से मैं वहां लेकर आ जाऊं, पेचकश लेके आता हूं। इन द मीन टाइम तू आलू वगैरह धो के इनको सेट कर दे वहां पर। सही है सही है सही है। अच्छा ऐसा भी करना है क्या? तो आई थिंक ये देखो भाई पोटैटो स्टार्ट जॉब, तो अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके देखूं तो ये देखो हमारी मशीन भी यहां पर चल रही है और इसमें लिखा है पुट द पॉइजनस पोटैटोज इन हियर। तो ओके ये रहा गाइस हमारा कन्वेयर, और तेरी भाई आते ही यहां पर पॉइजनस पोटैटोज जा रहे हैं। कमन मुझे सारे यहां से उठाने हैं, और अरे यार मैंने एक गलती से मिस कर दिया, तो सारे मैं पहले यहां पर डाल लेता हूं। इसको भी उठाओ, इसको भी उठाओ, कमोन कमोन कमोन, यहां पर बहुत तेजी के साथ यहां पर जा रहे हैं। कितने हो गए तेरे? अरे भाई मैंने 5-6 तो उसमें डाल दिए, और ये देखो कितनी ज्यादा पॉइजनस पोटैटोज यहां पर आ रहे हैं। तो ये वो सारे पोटैटोज हैं जो हमने अभी यहां पर फार्म किए हैं। ओके चलो कोई बात नहीं गाइस, आते हैं कितने नहीं होने चाहिए। अरे भाई तूने तो पूरा पोटैटोज तो यहां पर बहुत ज्यादा तेजी के साथ आ रहे हैं, और आई थिंक यहां पर अभी खत्म हो, अच्छा खत्म नहीं हुए अभी तक आ रहे हैं। भाई कितने पोटैटो तूने उगा लिए यहां पर? आपको याद है ना भाई हमने पूरा चेस्ट भर के यहां पर पोटैटोज डाले हैं, और अरे यार मैंने फिर से एक गलती से मिस कर दिया। नाउ गो वॉश द गो टू द वॉशिंग स्टेशन एंड प्रेस द ग्रीन बटन। ओके अच्छा ये रहा हमारा वॉशिंग स्टेशन, तो मैंने गलती से यहां पर दो आलू यहां पर मिस कर दिए, तो ये रही मैकडॉनल्ड्स की फैक्ट्री। खबर है, अरे भाई मैकडॉनल्ड्स की चिप्स बन रही है यहां पे। तो अभी मुझे ये वाला बटन खींच के यहां पर डालना है पानी, और अभी हमारे सारे पोटैटोज यहां पर क्लीन हो रहे हैं। क्या बात है, ये सीधा ऊपर, और ये देखो ये तो एक ही आलू यहां पर आया भाई। नाइस, ये एक मोटा सा आलू यहां पर आ चुका है, और ये सीधा जाएगा ओवन के अंदर, और इसके बाद मुझे चेस्ट के अंदर डालना है इसका फ्यूल। आई थिंक वो अपने आप चल पड़ेगा। एक काम कर, फ्यूल को मारते है गोली जब तक अपने आलू वगैरह बनते हैं ना। इन द मीन टाइम आजा, मैं तेरे लिए वो रंच लेके आ चुका हूँ। अच्छा नाइस नाइस नाइस, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। कहाँ पर है ये है क्या? तो अगर मैं डब्बे के ऊपर क्लिक करके देखूं, अच्छा खुल गया, खुल गया। और ये रहा हमारा ट्रक। क्या फिरकी मार, अबे उतर नीचे, अबे टूट जाएगा वो। अबे उसमें पेट्रोल नहीं है भाई, क्या करेगा ये, पेट्रोल तो है ही नहीं उसमें। ओके इसके अंदर तेरे को पेट्रोल डालना है। ओके पेट्रोल का पीपा यहाँ से खुल जाएगा क्या? अरे खुल जा, एक काम करता है, एक मिनट भाई मैं ट्रक को उठाकर ऐसा भी होता है नकली ट्रक। फार्मर्स वेट है भाई, फार्मर्स वेट है, खतरनाक है भाई, मसल मैन आ चुका लोग यहाँ पर। तो अबे रख दे उसको नीचे, ट्रक को मैं यहाँ पर नीचे रख लेता हूँ। यहाँ से उठाओ अपना पीपा, कहाँ पर है भाई? और उसने पीपे के पीपे निकाल दिए यहाँ पर। तो अच्छा ऑब्वियसली इसने यहाँ पर साइड में भी एक लगा हुआ है। एक काम करते हैं, एक मिनट, वो साइड में भी एक बना हुआ है ना, यहाँ पर एक बना हुआ पीपा। वही तो भाई, मैं साइड में यहाँ पर ले चलता हूँ इसको। हाँ यहाँ पर दोनों खाली हैं तो यहाँ पर लगा सकते हैं। तो यहाँ से पेट्रोल उठा के मुझे सीधा इस ट्रक को भी यहाँ पर भर देना है। गन्ने का जूस डाल दो उसके अंदर। नाइस, हाँ सही है, मैं गाड़ी के अंदर गन्ने का जूस ही डालता हूँ, बहुत भागती है आजकल, तो जहाजों के अंदर भी डालना शुरू हो चुका है। एनीवेज चलो नौटंकी को छोड़ो, और देर वी गो। ओ तेरी कितना तेज जा रहा है भाई। हेलो लंबोर्गिनी है क्या ये भाई? इसके ऊपर स्नो वाले टायर लगे हुए हैं, और डायमंड इंजन भी लगा हुआ है। अभी ग्रो क्या करने पहले ये तो पता करना। अरे भाई एक काम करते हैं, आज सुपरवाइजर से पूछते हैं। अरे सर जी अभी हम बाहर यहाँ पर क्या होगा, वीट होगा ले क्या यहाँ पे? यहाँ पे डब्बा पड़ा हुआ। अरे हाँ बोल रहा है भाई, वो देख वीट पड़ी इसके अंदर। अरे ना इसे काम करते, चलो यहाँ से सारी सीट पहले उठा लेते हैं। भाई ये तो एकदम से पूरा मुंह तक भर गया ये, कहाँ पर है? अरे नाइस यार, पूरा यहाँ पर अभी भर चुका है। तो एक काम करते हैं, इसको मैं यहाँ पर उठाकर अभी मुझे सीधा डालना है यार ट्रैक्टर के ऊपर। कमन डल जा, अभी ये डल क्यों नहीं रहा है? ट्रैक्टर डैमेज कर रहा है पागल है क्या? अबे बंदर को बोल, बंदर डाल, इसको पता ये पहले मिस्त्री था ना, इसको सब कुछ आता है, तू लगा। सही है, ये ले बंदर, तू इसके ऊपर यहाँ पर लगा दे, इस दोनों को कनेक्ट करना तेरे को, ठीक है ना? अरे नाइस, इसने कर दिया क्या? आई थिंक सो। अरे लेट्स गो, कर दिया, लेट्स गो, फाइनली इसने यहाँ पर अपनी हेल्प कर ली, लेट्स गो। और अभी मुझे जाना है यहाँ पर, वो एक्चुअली सीट यहाँ पर उगानी है। लेट्स गो, ये एक्चुअली व्हाट द हेल ब्रो। अरे ऑब्वियसली काम करेगा भाई, ऐसा फार्म नहीं है। मेरे को लगा था एक सेकंड के लिए कि ये अपना जो आइडिया जो है ये ट्रैक्टर वाला ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि ऑब्वियसली माइनक्राफ्ट के मैकेनिक्स हैं तो यार कभी कभी चलते हैं कभी नहीं चलते, लेकिन एक्चुअली चल रहे हैं यार भाई, ऑब्वियसली चल रहे हैं, मेरे को भी करना है। अरे भाई, अरे बंदर वाले में काम कर तू ना, वहाँ पर यहाँ टैची के अंदर सामान पड़ा हुआ है, तू एक और ट्रैक्टर बना और उसके अंदर डाल बोन मील, ताकि अपनी फसल जल्दी जल्दी हो जाए। ये सही आइडिया है, नाइस 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 चपाती भाई। और काम करते हैं, थोड़ी सी मैं यहाँ पर स्पीड भी पकड़ लेता हूँ। और ये तो अबे तो ट्रैक्टर की जगह बम बना दियो यहाँ पर यार प्लीज, ये देख टाइम पास नहीं करना हमको, यहाँ पर पैसे कमाने, ठीक है ना? ओके चलो एनीवेज यहाँ पर कंटिन्यू करते हैं। चपाती भाई टेंशन मत करो, बंदर एकदम सही से काम यहाँ पर करेगा। और आप क्या ऐसे खड़े हो, कुछ काम कर लो, जाओ थोड़े आलू धो भाई यहाँ पे। चल बंदर, तेरा बोन मील जो है मैंने तेरे लिए यहाँ पर डाल कर रखा हुआ है। अरे नाइस बना दिया उसने, इसको कनेक्ट करना यहाँ पर, अभी सब कुछ पड़ा हुआ है भाई, लिटरली फार्म खेल रहे हैं ये लोग भाई। ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये स्नो वाले टायर इस जमीन के लिए बने ही नहीं है भाई। हमको तो यहाँ पर लाखों डॉलर्स मिलने वाले हैं। क्या स्पीड में यहाँ पर जा रहा है। और एक काम करते हैं, मेरी जॉब यहाँ पर अभी खत्म हो चुकी है, तो मैं अपना ट्रैक्टर यहाँ पर बार ऐसे पार्क कर लेते हैं, और थोड़ी सी सीट भी यहाँ पर बच चुकी है, डैमेज ना करे। अबे तो क्या ये डिजाइनिंग वाले बोन मिल लगा रहा भाई,
अबे तेरे को लाइन पे लगाने होते हैं, पता नहीं क्या डिजाइन बना रहा है, क्या कर रहा है ये ऐसे घूमी घूमी करके जाएगा यहाँ पे। अबे मेहंदी नहीं लगा रहे हम हाथ के ऊपर। भाई ये मैंने ट्रक यहाँ पे खड़ा कर दिया। ओके देयर वी गो, हमारा सारा काम अभी यहाँ पर खत्म हो चुका है। लेकिन अभी हमको इसकी पेमेंट नहीं मिली यार, ये अभी तक बोल रहा है कि इसके अंदर फ्यूल डालना है। अच्छा वो फ्यूल वाली जॉब रह गई। और ये देखो यहाँ पर फ्यूल पड़ा हुआ है, डंडियां यहाँ पर फ्यूल है। वो फर्नेस को चलाने के लिए तेरे को डंडियां चाहिए होती हैं। तो इसके अंदर जाएगा हमारा फ्यूल। और क्या नाइस, हमारा फर्नेस यहाँ पर चल चुका है। कम ऑन, कब से यहाँ पर, अरे लेट्स गो, हमारी जॉब यहाँ पर खत्म हो चुकी है। कितने मेरे 5 एमरल्ड मिले यार। वैसे यार हमें एक्चुअली कन्वर्जन रेट यहाँ पर पता नहीं है। एक काम करते हैं, मशीन में डाल के देखते हैं। यहाँ पर मशीन लगी हुई है, हम एमरल्ड बेसिकली कन्वर्ट कर सकते हैं रियल मनी के अंदर। अभी अगर मैं यहाँ पर एमरल्ड मार के देखूं कैसे डाल रहा है, क्लिक कर रहा हूँ उसके ऊपर, क्लिक कर। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर ऐसे क्लिक करके देखूं तो नाइस, मुझे एक एमराल्ड का यहाँ पर $50 मिल रहे हैं। अबे इससे क्या होगा, सारे ले $50। ओके देयर वी गो, अभी मेरे पास ये देखो 50 के 5 नोट यहाँ पर आ चुके हैं। कितने मतलब कि $250। मेरे पास यहाँ पर $250 तो आ चुके हैं, और साथ में मेरे पास यहाँ पर $500 पुराने भी पड़े हुए हैं। चूना तो मतलब कि तीन बंदों ने हार्ड वर्क किया और उससे कितने मिल रहे हैं, $150-$250। नहीं करना मेरे को फार्म के ऊपर काम। बंदर वाले बसुका निकाल भैंस की, अरे रहने दो भाई, रहने दो भाई। अगर माफिया को पता लग गया तो वो छोड़ेगा नहीं हमें। ये बात भी है, क्योंकि अगर हमने इसको फोड़ दिया तो इसकी खबर माफिया तक जरूर पहुंचेगी। चलो काम करते हैं, यहाँ से चलते हैं अभी सीधा घर। यार हम तो यहाँ पर सही ट्रोल हो गए यार, क्या चूना उसने लगाया उस नुबड़े ने। वैसे चलो कोई बात नहीं, अगर हम फार्म की जॉब 3-4 बारी करें ना तो पैसे वगैरह अपने इनफ हो सकते हैं। लेकिन भाई वर्क हार्ड है भाई, बहुत ज्यादा काम है भाई, वर्क हो जाएगा। पहले काम भी लगाने होते हैं, सीड भी लगानी होती है, बोन मील भी लगाना होता है। इसके बारे में तो भूल ही गया था। बंदर वाले में कोई और जॉब है क्या यहाँ पर? इसे क्या लिखा है भाई, बहुत जॉब्स हैं यहाँ पे। अरे जिसके अंदर मोटा पैसा वो वाली जॉब बताना मेरे को। ढंग की जॉब बताना भाई यहाँ पे, ढंग की जॉब। कौन सी जॉब निकालेगा अभी, कुछ ना कुछ उसके पास फंडा होता है यार। तो अभी बड़ी जॉब यहाँ पे ना निकाल दे भाई फिर से। अभी टाइप करने में कितना, इधर आओ। कहाँ पर लेकर जा रहा है यार हमें, इतनी देर वेट करवाया, टाइप क्या किया, इधर आओ। कहाँ पर लेकर जा रहा है ये, फिर से हमें पोस्ट ऑफिस में लेकर जा रहा है यार। अबे वो हमारी हैसियत के बाहर है फिलहाल। चलो भाई आ जाते हैं यार, मे भी हमें इस पोस्ट ऑफिस के अंदर से कोई क्लू मिल सकता है। कहाँ, पुलिस की जॉब, यहाँ पर मोटा माल मिलेगा भाई। अरे भाई पहले मुझे मैप के ऊपर देखते थे कि यहाँ पर कौन कौन सी जॉब्स हैं। बहुत सारी जॉब्स हैं। हाँ यहाँ पर हम एजेंसी में भी जॉब कर सकते हैं, पुलिस की जॉब भी है, और ये बेकरी की जॉब भी है भाई। एक काम करते हैं, बेकरी की जॉब करते हैं, लेट्स गो। अरे भाई लेकिन इससे हमारा खाने पीने का मसला सॉर्ट हो जाएगा पागल बंदी। अरे फिलहाल तो हम परसों से आए हैं, आलू ही खा रहे हैं। वैसे सही बात है यार, सही बात है। और यहाँ पर आई डोंट थिंक कि रिच सिटी में हम $50 का यहाँ पर सैंडविच भी ले सकते हैं। और एक बार फिर से यहाँ पर काम करके रात हो चुकी है, तो एक काम करते हैं यार, चपाती भाई ने एकदम से सही आइडिया दिया है। सीधा यहाँ पर चलेंगे हम यहाँ पर अगली वीडियो में बेकरी में, और वहाँ पर हम लेंगे हम अपनी न्यू जॉब, और इससे हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर सॉर्ट आउट हो जाएंगी। तो ये हम सब करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो अगर गाइस आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, और मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एवरीबॉडी एंड बाय बाय।